बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सी एस सी गाइड ऑफिशियल। मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे समय किसी दोस्त ने कमेंट किया हुआ था, तो मैंने समझा हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इस पर वीडियो एक स्पेशल बननी चाहिए। तो चल गुरु हो जाए शुरू। टॉपिक ये है कि मीन उनका क्वेश्चन था कि हमने अप्लाई किया हुआ है। अब जैसे कि आपने अप्लाई किया हुआ है मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स के लिए चाइना में, सी एस स्कॉलरशिप हो, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो, प्रोविजनल स्कॉलरशिप हो, कोई आंसू स्कॉलरशिप हो, यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप कोई हो, तो इस तरह की कोई भी स्कॉलरशिप हो जिसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। मान लें कि आपके पास सारी स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं, आप सब अवेल कर लेते हैं, तो क्या ये चॉइस आप पे होगी कि आप इनमें से किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना चाहते हैं और स्कॉलरशिप पे जाना चाहते हैं, या हमें इंस्टीट्यूट या चाइना वाले हमें बताएंगे कि आपने इसमें जाना है, हम ये स्कॉलरशिप इस यूनिवर्सिटी की दे रहे हैं, तो इसके बारे में बताया जाए। क्या एट द सेम टाइम हम ये स्कॉलरशिप, पहली बात तो यह है कि या इतनी स्कॉलरशिप हमारी लग भी सकती हैं एट द सेम टाइम, या एक ही लगेगी, या अगर लग सकती हैं तो हमारे पास चॉइस होगी कि हमने किस में जाना है, या कोई और हमें इंस्टीट्यूट या चाइना वाले जो है, जो उनके जो है ऑर्गेनाइजेशन, वो हमें बताएंगी। तो इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर तो आपने अप्लाई किया हुआ है सारी मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स में, सी एस सी हो, आंसू स्कॉलरशिप, प्रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप हो, इस तरह, तो ये स्कॉलरशिप आप सारी हासिल कर सकते हैं एट द सेम टाइम। मीन्स कि आपने अप्लाई किया हुआ है, अब जून जुलाई में रिजल्ट आएगा, तो इसमें जब रिजल्ट आता है तो आप इस सब में सेलेक्ट हो सकते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ एक में ही होंगे। सी एस सी की पे जो आपने तीन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया होगा, उनमें से सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में आपकी सिलेक्शन होगी, जो क्योंकि सी एस सी के लिए तीन में अप्लाई करना होता है, उनमें से एक में आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। आपने तीन में किया एक, वो अब इसमें आपकी मर्जी नहीं है कि आप में उन तीन में से किस में आपकी स्कॉलरशिप, किस यूनिवर्सिटी में आपको आपकी स्कॉलरशिप लगेगी। वो जिसके डॉक्यूमेंट्स आपके पहले पहुंच गए सी एस सी को, जिस यूनिवर्सिटी ने पहले सेंड कर दिए, तो उसमें आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक हो गया। वो तो हो गई तीन, उनमें से एक सिलेक्ट होगी। अब मीन्स के सी एस सी की एक सिलेक्ट आपने, एक में सिलेक्शन आपकी हो गई। अब आते हैं शंघाई गवर्नमेंट पे। आपकी शंघाई किसी, आपने शंघाई यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया हुआ था, मतलब शंघाई गवर्नमेंट में भी अप्लाई किया हुआ था किसी और यूनिवर्सिटी में, तो उसमें आपकी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लगी, तो वो भी आपके पास आ गई। अब आपके पास दो स्कॉलरशिप होगी, एक सी एस सी की, एक शंघाई की, ठीक हो गया। अब प्रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप किसी और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए भी आपने अप्लाई किया हुआ था, वो भी आपने विन कर ली स्कॉलरशिप, और वो भी आपके खाते में आ गई, तो कितनी हो गई, तीन हो गई। इसी तरह प्रोविजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो भी आपके पास आ गई, उसमें नहीं मिलती, हो सकता है ना मिले, लेकिन पॉसिबिलिटी, ये माइंड क्वेश्चन आता है, ठीक है। या इनमें से दो मिल जाएँ, तीन मिल जाएँ, सारी ना मिले, तो उसमें भी कंडीशन, वो सारी मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह आपने आंसू स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया हुआ था, वो भी आपको मिल गई। मिल गया, आपके पास चार स्कॉलरशिप्स आ गई, ठीक है, चार या पांच, प्रोविजनल भी आप मिला लें, पांच स्कॉलरशिप्स आ गई, ठीक है। अब इनमें से आप किस में जाएंगे, ये कौन डिपेंड करता है, इस पे, ये इसका फैसला कौन करेगा, इसका फैसला आप खुद करेंगे कि आपने किस में जाना है, सी एस सी पे जाना है, आंसू पे जाना है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे जाना है, प्रोविजनल पे जाना है, या फिर आपने शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे जाना है। ये आपने खुद आपने डिसाइड करना है। ये नहीं कि आप अगर इनमें से एक को सिलेक्ट करेंगे तो कोई और यूनिवर्सिटी कहेगी नहीं आप क्यों नहीं है, ये वो, इस तरह की बात है, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। हाँ, जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, फिर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज को सॉरी कर देते हैं कि भाई मैं नहीं आ रहा, मेरी दूसरी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप लग गई है, वो वहाँ पे बेनिफिट्स ज़्यादा हैं और मैं वहाँ पे इजीली मैनेज कर लूँगा और सर्वाइव कर लूँगा, तो इसलिए मैं आपकी ये यूनिवर्सिटी जो है, आप ये मैं सीट जो है आप किसी और को दे दें, ये मैं यहाँ पे नहीं आ सकता। तो मैं खुद इसी तरह, मैंने आपको बताया भी था, कोई चार पांच थी, अब मैं बात कर रहा हूँ तो चलें ये भी बता ही देता हूँ। तो उसको, उनको मैंने कह दिया था कि भाई ये सॉरी मैं नहीं आ सकता, मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो गया हूँ, तो ये मैंने खुद फैसला किया था, उन्होंने नहीं कहा था, ठीक है। सी एस सी, ये नहीं कि आपने किसी ऐसी स्कॉलरशिप लगी तो आपने लाजमी ही सी एस सी पे जाना है, ऐसा नहीं है, आप किसी पे भी जा सकते हैं। सी एस सी का जो होता है वो JW-201 वीज़ा फॉर्म होता है, जो बाकी जितने भी होते हैं वो JW-202 होते हैं, बस ये फ़र्क होता है, ठीक है, ये फॉर्म का फ़र्क होता है, बाकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है। तो ये इस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, JW-201 और 202 में क्या फ़र्क है और क्या सारी चीज़ें। तो इसी तरह ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना है, लेकिन जिसमें जाएं उस उन वो तो ठीक है, जिसमें ना जाएं उनको आप इन्फॉर्म कर दें कि भाई सॉरी मैं नहीं आ सकता। वो ये नहीं कि आप नहीं उनको कहेंगे मैं नहीं आ सकता, वो ये कहेंगे पहले आपने अप्लाई क्यों किया, आपकी सिलेक्शन हो गई, आपको आना पड़ेगा, ये है वो है, तो
तो इस तरह की कोई बात नहीं करते। मैंने दो यूनिवर्सिटीज को कहा था तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, अगर फ्यूचर में अगर आपने अप्लाई करना हो तो वेलकम। तो उन्होंने वो अच्छे तरीके से डील करते हैं और ये कहते हैं कि आप फ्यूचर में अगर आप अप्लाई करेंगे तो हमें कोई मसला नहीं है, तो हम आपको खुले दिल से तस्लीम करेंगे। तो ये आपने वो कर देना है, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पहले चेक कर लेनी है कि क्या, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है UESTC, यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, उसमें वो पहले मेंशन कर देते हैं अगर आपकी स्कॉलरशिप लग गई और आप ना आए तो आपको भाई हम शॉर्ट लिस्ट, आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, भाई आप हमारे कंट्री में आ ही नहीं सकेंगे। वो स्कॉलरशिप सेलेक्ट करने से पहले आपसे पूछते हैं कि भाई हम आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ये आपने फिर आना होगा, अगर आप की स्कॉलरशिप हम आपको दें तो अगर आप ना आए तो हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। अब करते हैं या नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने बाकायदा क्लियर करके लिखा था, एक दोस्त को उन्होंने मेल भी की थी कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे सिलेक्शन होगी, या 1500 RMB होती है गलबन उनकी UESTC की, तो CSE पे तो चलो समझ आती है तो बंदा चला जाता है। तो इसमें फिर उसने कहा कि नहीं भाई मुझे CSE देनी है तो दें, नहीं तो मैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं देना चाहता, आगे आपकी मर्ज़ी, और ब्लैक लिस्ट में भी जो भी करना है फिर वो मैं इस चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो उन्होंने फिर उन्होंने कहा ठीक है आपकी मर्ज़ी, तो उसने फिर स्कॉलरशिप वो नहीं अवेल की थी इस वजह, इस चक्कर में कि मैं किसी और यूनिवर्सिटी में मेरी CSE स्कॉलरशिप लग जाएगी। अगर आपको हो, आपको कुछ चांसेस कि भाई हाँ मेरी दूसरी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप लग जाएगी, तो फिर तो आप करें, नहीं तो आप माइंड में ये होता है कि इधर से भी जाएँ उधर भी किसी के कोई स्कॉलरशिप ना लगे तो अब क्या किया जाए। तो ये फिर आपने उस वक्त फैसला खुद करना है, कोई बंदा दूसरा आपको बता नहीं सकता कि आपने क्या करना है, आप पे ही डिपेंड करता है। तो ये थी सारी टर्म्स एंड कंडीशन कि आप कैसे आपने वो करना है, शंघाई गवर्नमेंट हो कोई भी हो, मतलब कि जो भी स्कॉलरशिप आप हासिल करें ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस में जाना है। CSE को अलावा CSE की 3 यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास कोई इख्तियार नहीं है कि आप उन 3 में से एक स्पेसिफिक आप सिलेक्ट करें, ऐसा चक्कर नहीं है। लास्ट टाइम मैंने आपको पहले भी बताया था, एक लड़का था उसकी सिलेक्शन हो गई, एक यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट्स पहले सेंड कर दिए CSE को, दूसरी यूनिवर्सिटी ने उसको बकाया मेल की कि भाई आप इसी यूनिवर्सिटी में पहले सिलेक्ट हो चुके हैं, आपके मतलब कि यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट CSE को भेज चुके हैं और ये यूनिवर्सिटी का नेम है, आप इसमें सिलेक्ट हो चुके हैं, तो लिहाजा हम आपको अपनी यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो चुके हैं उसी साल, मतलब कि एक ही साल में, मतलब जो सिलेक्ट जैसे 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया हुआ था उसने भी 3 में अप्लाई किया हुआ था, तो 2 की कंडीशन ये थी, एक में सिलेक्ट हो चुका था, दूसरे में उन्होंने नहीं किया फिर सिलेक्ट, कि आप ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, आपकी इस यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट CSE को सेंड कर दिए, तो ये भी होता है। तो बाकी उसमें फिर आपकी 3 में से प्रेफरेंस, वो आप मर्जी, जिसमें उसमें मर्जी नहीं होती जो सिलेक्ट कर दे। हाँ अगर मल्टीपल स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाएँ फिर आप CSE को छोड़ सकते हैं और बाकी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।